नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहारी उत्पादों को विदेशों में बेचेगी सहकारी समितियां। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अब वाहनों के अनुसार लगेगा जुर्माना। बेस्ट वेब सीरीज पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन शुरू। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लेकर जारी किया नया फरमान। अनगिनत निकायों में निवेश करने से पहले इन बातों का रखे ध्यान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कृषि विश्वविद्यालय में 82 पदों पर निकली भर्ती। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सहायक नियंत्रक, सहायक रजिस्ट्रार, लैब अटेंडेंट, वनपाल, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, निजी सहायक, आंसू लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, निम्न श्रेणी लिपिक, तकनीकी सहायक, फार्म प्रबंधक के 82 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट BAUSABOUR.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के अनुसार 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी अनिवार्य है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। बिहारी उत्पादों को विदेशों में बेचेंगी सहकारी समितियां। अब सहकारी समितियों के जरिए बिहार के बुनकर, मिथिला पेंटिंग के कलाकार अपने उत्पादों को सीधे विदेशों में बेच सकेंगे। बता दें कि सहकारिता विभाग के द्वारा ऐसी इच्छुक समितियों को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड का सदस्य बनने को कहा गया है, ताकि उन्हें निर्यात का मौका मिल सके और साथ ही सदस्य बनने के बाद उन्हें तकनीकी मदद भी उपलब्ध करवाई जा सके। मालूम हो कि इस संबंध में विभाग के द्वारा सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी और सभी सहायक निबंधकों को पत्र भेज जानकारी दे दी गई है, जिसमें लिखा गया है कि 31 अगस्त 2023 तक कम से कम 5 समितियों को सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जाए। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे श्रीराम झा के बारे में। श्रीराम झा का जन्म 18 जुलाई 1976 को बिहार के मधुबनी जिला में हुआ था। यह एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने FIDE विश्व कप 2009 में प्रतिस्पर्धा की, जिसके लिए उन्होंने उसी वर्ष की शुरुआत में एशियाई जोन 3.2 शतरंज चैंपियनशिप जीतकर क्वालिफाई किया। श्रीराम झा ने 2003 में एशियाई टीम शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की सी टीम के लिए खेला। उन्होंने 1997 में विश्व U26 टीम शतरंज चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2014 में उन्होंने रैपिड की भारतीय चैंपियनशिप जीती। उनका विवाह भारतीय शतरंज अंतर्राष्ट्रीय मास्टर सुब्बा रमन विजया लक्ष्मी से हुआ है। उन्हें FIDE की ओर से वर्ष 2010 में ग्रैंड मास्टर टाइटल से नवाजा गया। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर अब वाहनों के अनुसार लगेगा जुर्माना। इन दिनों ट्रैफिक नियमों के पालन करने को लेकर वाहन चालकों के ऊपर काफी सख्ती बरती जा रही है। इसी कड़ी में अब एक नया निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब अगर किसी वाहन के द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वाहन के अनुसार उनसे जुर्माना की राशि वसूली की जाएगी। बता दें कि अब दो पहिया वाहन चालक को लाल बत्ती के नियमों को तोड़ने और स्टॉप लाइन के उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए के बजाय 1,000 रुपए जुर्माना के रूप में देने होंगे। वहीं तीन पहिया वाहन को 2,000 रुपए, चार पहिया छोटे वाहन को 3,000 रुपए, चार पहिया मध्यम वाहन को 4,000 रुपए और सभी प्रकार के भारी वाहन के लिए 5,000 रुपए जुर्माना के रूप में देने होंगे। बता दें कि इससे संबंधित अधिसूचना परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा जारी कर दी गई है। आज है सीटेट की परीक्षा, इन बातों का रखे ध्यान। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं जो आज होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज होने वाली यह परीक्षा दो पाली में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। ऐसे में परीक्षार्थियों को 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। मालूम हो कि परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में घड़ी, चश्मा, बटुआ, हैंडबैग, सोना, कृत्रिम आभूषण पहनकर प्रवेश नहीं कर सकते। वहीं परीक्षार्थियों के पास परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। बिहार के 191 पैक्स में खुलेंगे जन औषधि केंद्र। राज्य भर के 191 पैक्स में जन औषधि केंद्र खोले जाने वाले हैं। इन पैक्स की सूची राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को भेज दी गई है। बता दें कि इन जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में इस साल अगस्त तक 1,000 तथा दिसंबर तक 2,000 पैक्स में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत बिहार के सभी जिलों में 5-5 पैक्स में जन औषधि केंद्र खोले जाने हैं। बता दें कि मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि जन औषधि केंद्र
खोलने के लिए कुछ गाइडलाइन बनाए गए हैं। इसी के तहत पैक्स का चयन किया जा रहा है। मालूम हो कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। किसी भी संगठन, एनजीओ, धर्मार्थ संगठन एवं अस्पताल इसके लिए बी फार्मा अथवा डी फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त कर सकता है। पैक्सो के लिए भी यह नियम लागू होगा। सीएम नीतीश कुमार ने सूखाग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के सूखाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। बता दें कि बीते दिन उन्होंने जिन जिलों का जायजा लिया है उनमें नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, जमुई और गया जैसे जिले शामिल हैं। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सर्वेक्षण के बाद सीएम नीतीश के द्वारा इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मालूम हो कि इस बार ज्यादा बारिश न होने की वजह से इसका असर खरीफ फसल पर देखने को मिला है, जिससे सबसे ज्यादा हानि राज्य के किसानों को हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सूबे में 30% से भी कम बारिश हुई है, जिसका सीधा असर धान की खेती पर पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम नीतीश के द्वारा बीते दिन 80% से कम रोपनी वाले इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। सभी गर्भवती महिलाओं के लिए यह जांच अनिवार्य। बिहार की सभी गर्भवती महिलाओं की अब डायबिटीज की जांच अनिवार्य कर दी गई है। बता दें कि यह जांच गर्भावस्था के बाद पहली बार अस्पताल पहुंचने पर होगी। ऐसे में अगर पहली जांच के दौरान महिला डायबिटीज से पीड़ित नहीं पाई जाती हैं, तो एक बार फिर 24 से 28वें सप्ताह के बीच महिला का दोबारा जांच किया जाएगा। मालूम हो कि डायबिटीज जांच इसलिए अनिवार्य है ताकि गर्भवती महिला और गर्भ में पल रहे बच्चे की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इसके संबंध में राज्य स्वास्थ्य एवं परिसर कल्याण संस्थान के निदेशक के द्वारा बताया गया है कि इसके लिए राज्य भर के सभी सरकारी अस्पतालों के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला सदर अस्पतालों की महिला चिकित्सक शामिल होंगी। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे महावीर मंदिर के बारे में। पटना जंक्शन के समीप स्थित महावीर मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित सबसे प्रचलित मंदिर में से एक है। यह प्रसिद्ध मंदिर भक्ति और भावना का प्रतीक है और प्रत्येक दिन यहां श्रद्धालु मनोकामना लिए आते हैं और उनका विश्वास है कि संकट मोचन उनके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मंदिर के भीतर बहुत से भक्त हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। महावीर मंदिर में रामनवमी के पावन अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो यहां के दृश्य को और भी मनोरम करती है। मंदिर की एक अन्य विशेषता इसका प्रसाद है। यहां का नैवेद्यम पूरे देश में प्रसिद्ध है। महावीर मंदिर में भक्तों द्वारा दान में होने वाले आय से कई साधारण लोगों का न्यूनतम शुल्क पर इलाज किया जाता है। इस पावन मंदिर द्वारा जनहित में महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल्य अस्पताल सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। आप जब भी पटना आए तो महावीर मंदिर के दर्शन जरूर करें। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को लेकर जारी किया नया फरमान। कुछ दिनों पहले ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा निर्देश दिया गया था कि राज्य के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा मिड डे मील के बोर्डों को बेचना होगा। वहीं अब एक बार फिर से अपर मुख्य सचिव के द्वारा नया निर्देश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब हेडमास्टर अनुपयुक्त सामग्री को बेचने का काम करेंगे। दरअसल इन दिनों के पाठक लगातार विभिन्न जिलों में जाकर विद्यालयों का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई जगहों पर विद्यालय में काफी मात्रा में कबाड़ यानी कि टेबल, बेंच, कुर्सी और पुरानी किताबें नजर आई हैं। इसी के निष्पादन को लेकर उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी विद्यालयों के कबाड़ को खाली करवाएं, यानी कि उसे बेचकर उससे जो भी पैसे आते हैं उसे विद्यालय के खाते में जमा कराएं और कितना कबाड़ बेचने पर कितनी राशि प्राप्त हुई है उसकी सूचना विभाग को दें। बेस्ट वेब सीरीज पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन शुरू। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के 54वें संस्करण में बेस्ट वेब सीरीज पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि इसके विजेता की घोषणा गोवा में होने वाले फिल्म महोत्सव में की जाएगी, जो कि 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होने वाली है। मालूम हो कि जारी किए गए विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए निर्मित और प्रदर्शित वेब सीरीज कंटेंट को प्रोत्साहित करते हुए भारतीय ओटीटी उद्योग में विकास व नवाचार को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं की कंटेंट समेत वेब कंटेंट उद्योग में क्षेत्रीय विविधता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना और भारतीय भाषाओं में ओटीटी सामग्री को प्रोत्साहित करना है। बता दें कि विज्ञप्ति के अनुसार आवेदकों को निर्धारित ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म के माध्यम से प्रविष्टि जमा करनी होगी, जो पुरस्कार वेबसाइट https://bestwebseriesaward.com/ पर उपलब्ध है। अनगिनत निकायों में निवेश करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान।
अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो अनगिनत निकायों में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बता दें कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो अनगिनत निकायों में निवेश करते हैं तो उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके पैसे डूब भी सकते हैं। इसलिए लोगों को पहले सुरक्षा और फिर मुनाफे के बारे में सोचना चाहिए। बता दें कि आप किसी भी अनियंत्रित अपंजीकृत संस्था के साथ अपनी मेहनत की कमाई निवेश न करें। डिपॉजिट लेने वाली कंपनी RBI, SEBI, PFRDA या राज्य सरकार जैसे किसी वित्तीय संस्थाओं के साथ पंजीकृत होने चाहिए। मालूम हो कि सिर्फ कुछ चुनिंदा रेगुलेटेड नियमित कंपनियों को ही पब्लिक डिपॉजिट लेने की अनुमति होती है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप www.rbi.org.in/nbfcfaqs पर देख सकते हैं। कटिहार से चलेगी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन, जाने पैकेज व अनएडिटेड। 27 सितंबर से भारतीय रेल की तरफ से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही भारत गौरव पर्यटन ट्रेन बिहार के कटिहार जिले से रवाना होने वाली है। बता दें कि IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस ट्रेन के जरिए देश के 7 ज्योतिर्लिंग और शिरडी के साईं बाबा का दर्शन किया जा सकेगा। ऐसे में वे लोग जो इस ट्रेन का लुत्फ उठाना चाहते हैं वे बुकिंग करा सकते हैं। मालूम हो कि इसमें कुल 700 सीटों के लिए बुकिंग ली जाएगी। वहीं अगर हम बजट की बात करें तो यात्रियों को स्लीपर क्लास में यात्रा करने के लिए 19,890 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे और 3 AC में यात्रा करने के लिए यात्रियों को 31,850 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। बता दें कि इन पैसों में 12 दिन और 11 रात की यात्रा शामिल है। मालूम हो कि इससे पहले बिहार से 2 भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चल चुकी है और 27 सितंबर को चलने वाली यह ट्रेन तीसरी ट्रेन है जो बिहार से चलेगी। 210 लीटर शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ कमी देखने को नहीं मिल रही, बल्कि शराब तस्कर तस्करी करने के लिए आए दिन नए नए तरीके का निजात करते फिर रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के सारण जिला के छपड़ा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर पुल के पास का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर मारुति सुजुकी में छापेमारी करते हुए 210 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है और साथ ही 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान दीपक कुमार और रंजन कुमार के रूप में की गई है। मालूम हो कि इन दोनों गिरफ्तार तस्करों से हुई पूछताछ में यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि यह शराब की खेप यूपी से लेकर आई जा रही थी। बिहार म्यूजियम बनाले में आएंगे मशहूर संग्रहालयों के विशेषज्ञ। देश के मशहूर डिजाइनर एंथोपी लोपेस अगले सप्ताह बिहार म्यूजियम बनाले के कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण कड़ी में शामिल होने के लिए बिहार की राजधानी पटना आने वाले हैं। बता दें कि 22 अगस्त को बिहार संग्रहालय में म्यूजियम ब्रांडिंग एवं मार्केटाइजिंग विषय पर संगोष्ठी में जोधपुर की मोरिन लीबेल और अमृता सिंह का महत्वपूर्ण व्याख्यान होगा। इसके मॉडरेटर की भूमिका में डिजाइनर एंथोपी लोपेस रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23 अगस्त को पहले सत्र में तकनीकी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ChatGPT के आने से हो रहे बदलाव के बारे में व्याख्यान दिया जाएगा, तो वहीं दूसरे सत्र में मॉडरेटर की भूमिका में मुंबई से आई अतुल राज मेहता, जो पिछले एक दशक से बिहार म्यूजियम के मास्टर प्लानर की भूमिका में रही हैं, वह वर्तमान दौर में देश के संग्रहालयों में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं उस विषय पर बेंगलुरु से आए डॉक्टर जानवी फालके और जमीर बसराई का व्याख्यान होगा। अगले 2 दिनों तक प्रदेश में बारिश न के बराबर। बिहार में मौसम का मिजाज फिलहाल नहीं बदलने वाला है। प्रदेश में जिस तरह से तेज गर्मी पड़ रही है उससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन वर्तमान में लोगों को उमस और गर्मी का सामना करना पड़ेगा। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 20 और 21 अगस्त को प्रदेश में बारिश को लेकर कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन 22 और 23 अगस्त को उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इन जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही लोगों को इस बारिश के दौरान सतर्क रहने को भी कहा गया है। स्कूल पोर्टल पर छात्र छात्राओं की एंट्री कराएंगे सुनिश्चित। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों को 1ली से 12वीं कक्षा तक नामांकित छात्र छात्राओं को मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर एंट्री सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि उन्हें वित्तीय वर्ष 2023-24 की योजनाओं का लाभ मिल सके। बता दें कि यह जिम्मेदारी मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाध्यापकों को दी गई है। मालूम हो कि इस काम को करने के लिए विभाग की ओर से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है और फिर इसके बाद 75% हाजिरी वाले छात्र छात्राओं को चिन्हित किया जाएगा। बता दें कि एंट्री के बाद प्रधानाध्यापक उसका एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखेंगे। वहीं प्रारंभिक स्कूल के छात्र छात्राओं की एंट्री के प्रिंट की एक कॉपी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक का प्रिंट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जमा करना होगा। इस सूची को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी 10 अक्टूबर तक अनुमोदित करेंगे।
जमुई की अनिशा ने लद्दाख के डेजो जांगी पर फहराया तिरंगा। आज के दौर में बिहार की बेटी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, यह एक बार फिर से साबित हो गया है। बता दें कि बिहार के जमुई जिले की रहने वाली पर्वतारोही अनिशा दुबे के द्वारा लद्दाख के डेजो जांगो के 20,500 फीट की ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराकर देश और प्रदेश दोनों का नाम रोशन करने का काम किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अनिशा दुबे ने अपनी यह चढ़ाई 11 अगस्त को शुरू की थी, जो कि उन्होंने 18 अगस्त को खत्म किया। मालूम हो कि अनिशा दुबे ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है। इससे पहले अनिशा दुबे ने 2021 में हिमाचल प्रदेश के माउंट पतालसू के 14,000 फीट, सितंबर 2022 में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के 18,000 फीट पर देश का तिरंगा फहराया था। दरभंगा एम्स को लेकर बीजेपी सांसद और विधायक पहुंचे राजभवन। इन दिनों बिहार की सियासत दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर गरमाई हुई है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार इसको लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बता दें कि अब दरभंगा एम्स के निर्माण को लेकर बीजेपी विधायक और सांसद राजभवन पहुंच चुके हैं। मालूम हो कि बीजेपी की ओर से जो सांसद और विधायक राजभवन पहुंचे हैं, उनमें सांसद गोपाल जी ठाकुर, सांसद अशोक यादव, विधायक संजय सरावगी, हरिभूषण ठाकुर बचौल समेत कई नेता के नाम शामिल है। इस दौरान बीजेपी विधायक संजय सरावगी के द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार के एम्स मामले में पलटी मार दिया है। इसके निर्माण को लेकर आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच मामला फंस गया है। राज्यपाल हमारे कस्टोडियन है, इसलिए हम उनसे गुहार लगाने आए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पीएम मोदी के पैर छूने चाहिए। पीएम मोदी ने बिहार में एक एम्स के रहते हुए मिथिलांचल में दूसरा एम्स दिया है। अगर बिहार की सरकार एम्स नहीं बनाएगी तो फिर बीजेपी सरकार एम्स बनाएगी। शिक्षा विभाग के मनमानी फैसले पर सुशील मोदी का सीएम नीतीश पर हमला। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा नए नए निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं अब इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को एक अराजक राज्य में तब्दील कर दिया है। शिक्षा विभाग के मनमानी फैसले के कारण प्राथमिक स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि स्कूल के हेडमास्टरों को मिड डे मील का खाली बोरा कबाड़ बेचकर पैसे जुटाने का फरमान और अब विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति का वेतन रोकने के जैसे आदेशों से अराजकता साफ दिख रही है। नीतीश कुमार को अपने अति सक्रिय नौकरशाहों पर नियंत्रण रखना चाहिए, ताकि न शैक्षणिक स्थिति बिगड़े और न ही राजभवन से टकराव हो। आज सीरीज जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच भारत ने जीत लिया है, तो वहीं आज यानी कि 20 अगस्त को दूसरा मुकाबला खेला जाना है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत सीरीज जीतने के बस एक कदम दूर है। बता दें कि आज होने वाला यह मैच अगर टीम इंडिया जीतती है तो वह सीरीज पर कब्जा कर लेगी। वहीं अगर आज का यह मैच आयरलैंड जीतता है तो दोनों ही टीमें एक एक की बराबरी पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आज का यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद जरूरी होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से डबलिन के द विलेज में खेला जाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया के द्वारा डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार 2 रन से जीता गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन 1828 में कलकत्ता में संपन्न हुआ। रोनाल्ड रॉस ने 1897 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1979 में अपने पद से इस्तीफा दिया। स्पेन में भारतीय चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 2001 में स्पेन के अलेक्सई सिरो को शिकस्त देकर विलारोडेज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साई राम को 2008 में अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। रसायन व उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने 2008 में खाद्य उद्योग को चालू वित्त वर्ष में 22,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने की घोषणा की। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार राम शरण शर्मा की मृत्यु 2011 में हो गई। भारत के नवे प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म 1944 को हुआ था। प्रगतिशील काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म 20 अगस्त 1917 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी का जन्म 1940 को हुआ था। भारत की महिला शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव का जन्म 20 अगस्त 1986 को हुआ था। उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती का निधन 20 अगस्त 1991 को हुआ था। इतिहासकार गंगाराम सम्राट का निधन 2004 में हुआ। आज के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। YouTube में जल्द आपको मिलेंगे दो बेहतरीन अपडेट।
गूगल का वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब दुनिया भर में फेमस हो चुका है। स्पीच कंपनी यूट्यूब में शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए क्वेश्चन एंड आंसर स्टिकर जोड़ने वाली है। इसकी मदद से क्रिएटर्स लोगों को अपना सवाल पूछे जा सकते हैं और इसका जवाब व्यूवर्स कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। कंपनी ने यूट्यूब टेस्ट फीचर्स एंड एक्सपेरिमेंट स्पेस पर कहा है कि शॉर्ट्स क्रिएटर्स के लिए उनकी कम्युनिटी को और भी आसान बनाने के लिए हम एक स्टिकर के साथ प्रयोग कर रहे हैं जो क्रिएटर्स को अपने दर्शकों से सवाल पूछने की अनुमति देते हैं। फिलहाल क्वेश्चन एंड आंसर स्टिकर फीचर की टेस्टिंग चल रही है जो आने वाले समय में सभी के लिए लाइव होगा। इसके अलावा यूट्यूब अपने एकेडमिक कंटेंट के लिए एक दिलचस्प फीचर पर काम कर रहा है। कंपनी एजुकेशनल वीडियो में एक ऑटोमेटिक फीचर जोड़ने वाली है जो आपको वीडियो के अंदर मौजूद की कॉन्सेप्ट्स की जानकारी इमेज और टेक्स्ट स्निपेट के माध्यम से देगा। फिलहाल ये फीचर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में व्यूअर्स की मदद करेगा। आने वाले समय में कंपनी इसे सभी तरह के एजुकेशनल कंटेंट पर लागू कर सकती है। वेलकम, आज हम बात करेंगे मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फर्जी वेबसाइट http://rozgarsevak.org मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट होने का दावा कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि वेबसाइट भारत सरकार से संबंधित नहीं है। मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट https://nrega.nic.in है। इंडिया में छत के पंखों को लेकर आ गया सख्त कानून। अगर आप भी छत का पंखा का रोजगार करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इंडिया में छत के पंखों को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं जिसके तहत अब पंखों में BSI चिन्ह होना अनिवार्य है। मालूम हो कि ऐसा करने से घरेलू स्तर पर बिजली के पंखे बनाने को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही दोयम दर्जे के पंखों के आयात पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। बता दें कि इस संबंध में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि छत पर लगने वाले बिजली पंखा आदेश 2023 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का भारतीय मानक ब्यूरो चिन्ह यानी कि BSI के बिना उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण नहीं किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम 9 अगस्त को जारी किया गया है यानी कि यह नियम अधिसूचना प्रकाशित होने के 6 महीने बाद से प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में अगर 6 महीने के बाद किसी के द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसे 2 साल तक की जेल की सजा और कम से कम 2,00,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर उसके बाद भी नियम को तोड़ा जाता है तो जुर्माने की राशि बढ़ती जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में वाराणसी उत्तर प्रदेश में किस सम्मेलन का आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए युवा जी 20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सेमिनार सम्मेलन, ऑप्शन सी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ऑप्शन डी हिंदी सम्मेलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए युवा जी 20 शिखर सम्मेलन। अगला सवाल, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक विश्व की किस नंबर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरी। अगला सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2024, ऑप्शन बी 2025, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2027। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2027। अगला सवाल, राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चीनियों ने, ऑप्शन बी तिब्बत लोगों ने, ऑप्शन सी जापानियों ने, ऑप्शन डी कोरियन लोगों ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापानियों ने। अगला सवाल, बिहार में लीची उत्पादन भारत के उत्पादन का करीब कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 40% से 50%, ऑप्शन बी 20% से 30%, ऑप्शन सी 50% से 60%, ऑप्शन डी 60% से 70%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 60% से 70%।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद फहीम, रोशन कुमार, रामचंद्र सिंह, राजीव कुमार, राम नरेश कुमार, योगेंद्र रजक, धनुप्रिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, रूपम कुमारी, विकास दास, अनवर करीम खान, अतीक खान, सदुल्लाह पलवी, प्रयाग सिंह, प्रहलाद कुमार, रन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बनाए गए ट्रैफिक नियमों का आप सही सही पालन कर रहे हैं या नहीं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।